प्रतिशत तक की वेतन कटौती पर जेट एवरेज के पायलट को नौकरी दे रही है स्पाइसजेट। जानकारी के मुताबिक स्पाइसजेट नकदी संकट से जूझ रही है। विमान कंपनी जेट एवरेज के पायलट और इंजीनियरों को 30% से 50% तक की वेतन कटौती पर नौकरी दे रही है। बतौर रिपोर्ट्स कुछ समय पहले स्पाइसजेट इन कर्मचारियों को बेहतर वेतन पैकेज पर अपने यहां बुला रही थी। दरअसल जेट एवरेज के बड़े बेड़े में शामिल करीब 90% विमान परिचालन से बाहर है। देश की जीडीपी वृद्धि में जान फूकने का प्रयास करेगा आरबीआई, शक्तिकांत दास ने कहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक भारत के आर्थिक वृद्धि में जान फूकने का प्रयास करेगा। उन्होंने 2019-2020 के रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.2% तक पहुंचने की उम्मीद जताई थी, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। गौरतलब है अक्टूबर-दिसंबर 2018 तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.6% रही है, जो पिछली 5 तिमाही में सबसे कम है। फ्रांस ने माफ किया अनिल अंबानी का 1100 करोड़ टैक्स, आरकॉम ने किया इनकार। फ्रांस के अखबार लॉ मेडो के अनुसार अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राफेल सौदे की घोषणा के बाद फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की फ्रांसीसी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस फ्लैंग अंटार्कटिका फ्रांस का करीब 1100 करोड़ का टैक्स माफ किया था। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने पश्चात के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शुरुआती टैक्स का मांग व्यवहारिक नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडारण 1.87 अरब की बढ़ोतरी के साथ हुआ 413.78 अरब। आरबीआई के अनुसार 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.87 अरब की बढ़ोतरी के साथ 413.78 अरब हो गया है। इस दौरान डॉलर और पाउंड तेजी से विदेशी मुद्रा में रखे जाने वाले फॉरेन करेंसी आरएसवी 2.6 अरब बढ़कर 386.11 अरब रहे। हालांकि इस दौरान आरक्षित स्वर्ण भंडार 18.2 करोड़ घटकर 23.22 अरब रह गया है। मैं बिजनेस के जुरासिक काल में से हूँ, उबर के फायदेमंद नहीं, चेतावनी पर महिंद्रा। टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर द्वारा आईपीओ से पहले उनके फायदेमंद नहीं होने की चेतावनी पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था। आज शायद वह दिन है कि जब मैं स्वीकारता हूँ कि मैं बिजनेसमैन के जुरास्टिक काल में से हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं शायद कभी नहीं समझ सकता कि ऐसे वादे पर बिजनेस मॉडल कैसे विकसित किया जा सकता है। आईएएस के बाहर से 9 लोग संभालेंगे विभिन्न मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को विभिन्न सरकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद के लिए 9 पेशेवरों की नियुक्ति होने की घोषणा। ये पेशेवर IIT, IIM और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद संयुक्त राष्ट्र कंसल्टेंसी फर्म के KPMG जैसे संगठनों के साथ काम कर चुके हैं। सरकार की इस योजना के लिए 6000 पेशेवरों ने आवेदन किया था। CEO के तौर पर बेहतर हो सकते हैं मग्स वह खुद भी यही कहेंगे। अरबपति निवेशकों वॉरेन बफेट ने कहा है कि टेल्सा के CEO एलन मग्स CEO के तौर पर बेहतर बन सकते हैं और खुद मग्स भी यही कहेंगे। मग्स के ट्वीट करने की आदतों पर बफेट ने कहा है कि उनके बफेट लगातार बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मस्क बेहतर इंसान है। जेट एवरेज के कर्मचारियों ने फाउंडर CEO SBI प्रमुख के खिलाफ की शिकायत। ऑल इंडिया जेट एवरेज ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने कंपनी के फाउंडर व पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल CEO विनय दुबे और SBI चेयरमैन पुलिस में शिकायत की। फेसबुक ने 2018 के मार्क जुकरबर्ग सुरक्षा पर खर्च किए 156 करोड़। फेसबुक ने शुक्रवार को बताया कि उस 2018 के संस्थापक व CEO मार्क जुकरबर्ग की सुरक्षा 2.26 करोड़ तो 156 करोड़ खर्च किए है। बतौर कंपनी सिर्फ जुकरबर्ग और उनके परिवार की सुरक्षा पर करीब 138 करोड़, जबकि अतिरिक्त प्राइवेट जेट के निजी उपयोग पर 18 करोड़ खर्च हुए हैं। कंपनी ने कहा कि जेट जुकरबर्ग के सुरक्षा प्रोग्राम का हिस्सा है।
तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।